आज पूरा देश कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से जूझ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत को देखते हुए टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देकर अस्पतालों की मदद की। साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। शायद आपको ये नाम टीवी न्यूज वाले ना बताएं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को दिए। स्टील अथॉरिटी इंडिया के अंदर कई प्लांट्स आते हैं, जिसमें BSP, बोकारो, राउरकेला के प्लांट्स आते हैं। भिलाई स्टील प्लांट ने छत्तीसगढ़ सहित UP, MP जैसे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाए हैं। आज के इस वीडियो में हम भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना से लेकर अब तक की कहानी को जानेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से 1955 में हुई थी। इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में बोकारो, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना का फैसला किया था और इसे आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था। तत्कालीन मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। देश के इस पहले इस्पात संयंत्र के निर्माण की प्रगति देखने के लिए नेहरू पहली बार 1957 में जब भिलाई पहुंचे तो उन्होंने कहा, भिलाई भारत का भविष्य है और इस सपने को साकार होते देखना अच्छा लगता है। और इस कारखाने के बारे में पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने जो जो कहा था वो सब सच हुआ। देश के सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के लिए 10 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त कर चुका है यह भिलाई स्टील प्लांट। यह कारखाना राष्ट्र में रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का एकमात्र निर्माता तथा संरचनाओं का प्रमुख उत्पादक है। देश में 260 मीटर रेल की सबसे लंबी पटरियों के एकमात्र सप्लायर इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 31,53,000 टन विक्रय इस्पात की है। यह कारखाना वायर रॉड और मर्चेंट उत्पाद जैसे विशेष सामान भी तैयार कर रहा है। भिलाई स्टील प्लांट ISO गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से पंजीकृत है, अतः इसके सभी विक्रय इस्पात ISO के परिधि में आते हैं। साथ ही इस कारखाने को पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व तो निभाने के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है। इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाण पत्रों के कारण भिलाई के उत्पादों का महत्व और भी बढ़ जाता है तथा इस्पात उद्योग में इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ संगठनों में की जाती है। भिलाई को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तथा इसे लगातार 3 वर्ष CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आजकल यह प्लांट चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस प्लांट से कई राज्यों को लिक्विड ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 387 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल अगस्त से इस वर्ष मार्च तक 13,002 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भिलाई स्टील प्लांट जैसे कारखानों की जरूरत है, जो विविधता के समय देश के साथ खड़े रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।